पहला धमाका जहां भारत और लंका ने मिलकर चीन की जबरदस्त लंका लगा दी। भारत ने किस मौके पर चौका मारा है, दुनिया को पता चल गई पीएम मोदी के बात की ताकत। अब सवाल उठता है कि भारत की इस तरह जासूसी करने से चीन को क्या फायदा मिल रहा था। इस दूसरे धमाके से होगा समुद्र में चीनी सल्तनत का खात्मा। दोस्तों, दिन पर दिन बढ़ता भारत चीन के लिए काल बनता जा रहा है। भारत एक ऐसा देश बन गया है जो कि चीन जैसे देशों की हिट लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर रहता है। पाकिस्तान तो जन्म से ही भारत को ही अपना दुश्मन मान बैठा है। ऐसे हालात में लंका ने अब भारत को नए साल का ऐसा गिफ्ट दे दिया है जिसे चीन हमेशा याद रखेगा। नए साल के मौके पर चीन के सिर पर भारत और लंका ने ऐसा हथौड़ा मारा है कि ड्रैगन पगला गया है। देखिए, जानकारों का कहना है कि भारत और चीन का संभावित युद्ध हिमालय के बॉर्डर्स पर न होकर के इंडियन ओशियन में होगा। इसके पीछे की यह वजह है कि चीन कभी भी भारत से हिमालय पर लड़ना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि चीनी सीमा में तो हिमालय की भौगोलिक स्थिति ज्यादा परेशान नहीं करती, लेकिन वहां का एनवायरमेंट चीन के सैनिकों के अनुकूल नहीं है। इसलिए चीन के इस तरफ, जो कि 57% भूमि है, वहां केवल चीन के जनसंख्या का 6% लोगों का निवास है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत ने चीन पर ऐसा वार किया है कि चीन बिखर गया है। समझिए, समुद्र में चीनी सल्तनत का खात्मा भारत ने कर दिया है। जहां अभी तक चीन को दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी होने का दर्जा प्राप्त था, आइए बताते हैं भारत ने क्या जादू कर दिया है। कौन से वो दो बड़े धमाके हैं, आइए पहले धमाकों की तरफ बढ़ते हैं जहां भारत और लंका ने मिलकर चीन की जबरदस्त लंका लगा दी है। अब आप कहेंगे कैसे? देखिए, श्रीलंका ने चीन को नए साल पर दिया झटका। चीनी जासूसी जहाजों के प्रवेश पर लगा दिया बैन। पड़ोसी देश श्रीलंका ने चीन को बड़ा झटका देते हुए भारत के हित में एक अहम फैसला लिया है। श्रीलंका ने अपने समुद्री क्षेत्र में विदेशी जासूसी जहाजों के संचालन पर 12 महीने की रोक लगा दी है। इसका मतलब है कि चीन के रिसर्च और जासूसी जहाज अब पहले की तरह श्रीलंका के बंदरगाहों पर नहीं रुक पाएंगे। ऐसे में आपको लग रहा होगा कि इसमें इतना भी बड़ा क्या हो गया। देखिए, लंका का यह फैसला इतना बड़ा है कि माना जा रहा है कि यह चीन के खात्मे की शुरुआत है। जियोपॉलिटिक्स में वो फैसला बड़ा नहीं होता जिससे ज्यादा नुकसान या फायदा होता है, बल्कि वो फैसला बड़ा होता है जिसका इंपैक्ट बड़ा होता है। और लंका के इस फैसले के बाद पूरी दुनिया चीन पर थू थू कर रही है, क्योंकि साफ साफ लंका ने बैन लगा दिया है चीन पर, वो भी भारत के लिए। इस मामले से जुड़े लोगों ने रविवार को बताया कि श्रीलंका ने इस बात की जानकारी भारत को दे दी है। उन्होंने कहा कि अगले एक साल के लिए किसी भी चीनी रिसर्च जहाजों को अपने बंदरगाह पर रुकने या अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र EEZ के भीतर संचालन की अनुमति नहीं देगा। दुनिया को पता चल गई पीएम मोदी के बात की ताकत। माना जा रहा है कि लंका जैसे छोटे देश के लिए यह फैसला बहुत ही बड़ा है, और लंका ने यह फैसला मोदी जी की गुहार के बाद लिया। जी हां, श्रीलंकाई सरकार ने यह फैसला पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से 21 जुलाई 2023 को अपनी बैठक के दौरान राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से भारतीय रणनीतिक और सुरक्षा चिंताओं का सम्मान करने के आग्रह के बाद लिया है। अब सवाल उठता है कि भारत की इस तरह जासूसी करने से चीन को क्या फायदा मिल रहा था। तो देखिए, भारत को नीचा दिखाने के लिए फिर चीन ने एक गिरी हुई हरकत शुरू की थी। आपको बता दें कि चीन लगातार ही भारत की सैन्य गतिविधियों पर नजर रखने की कोशिश कर रहा है। इस मामले में चीन अब श्रीलंका की जमीन इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। जानकारी सामने आई है कि चीन श्रीलंका में एक रडार स्थापित करना चाहता था। इस रडार की वजह से चीन न सिर्फ भारत की गतिविधियों पर बल्कि वह ब्रिटेन और यूके की गतिविधियों पर भी नजर रख सकता था, लेकिन उसका यह सपना अब मिट्टी में मिल गया है। अब आइए बताते हैं भारत ने किस मौके पर चौका मारा है। देखिए, चालाक चीन की नजरें पहले से ही श्रीलंका पर गड़ी हुई है। चीन ने श्रीलंका को बर्बाद कर उसे उसके हालातों पर छोड़ दिया था। हालांकि अब जब भारत श्रीलंका की सहायता कर रहा है, तो एक बार फिर चीन भी श्रीलंका की सहायता करने का ढोंग रच रहा है। चीन ने IMF के बेल आउट पैकेज के लिए श्रीलंका को वित्तीय आश्वासन दिया है। हालांकि ड्रैगन ने इस बारे में कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है।
ड्रैगन अब तक लंका को मदद के नाम पर मीठी गोली खिलाते आ रहा है, और अब जब इसी मीठी गोली की वजह से लंका मरने की हालत पर पहुंच गया तो चीन ने मुंह मोड़ दिया था। लेकिन भारत ने यही मौके पर चौका मारकर सारी बाजी पलट दी। भारत ने लंका की पूरी मदद की और आज परिणाम दिख रहा है। तो यह रहा पहला झटका, जिसके बाद चीन एक बार नहीं कई बार हिला। लेकिन अब दूसरी खबर सुनते ही आपको भरोसा हो जाएगा कि क्यों हम समुद्र में चीनी सल्तनत के खात्मे की बात कर रहे हैं। क्या किया भारत ने कि खत्म हो गया चीन। नए साल का दूसरा धमाका चीन की छाती को जोर से चीर रहा है। साउथ चाइना सी से अब चीन खत्म ही समझिए, क्योंकि फिलीपींस से दक्षिणी चीन सागर में चीन के खिलाफ प्रतिरोध से भरे नए साल का जश्न मनाएगा, क्योंकि उसे भारत में बना ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बहुत जल्द मिलने वाली है। फिलीपींस ने भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने को लेकर साल 2022 में कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत किए थे, और यह मिसाइल सिस्टम फिलीपींस नौसेना की क्षमता को बढ़ाएगा, जो दक्षिणी चीन सागर में चीन की आक्रामकता का सामना कर रही है। कितना खतरनाक है ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम, क्यों इसके आने के बाद चीन का खेल खत्म माना जा रहा है। देखिए, ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, और इसे पनडुब्बियों, जहाजों, विमानों या भूमि प्लेटफॉर्मों से लॉन्च किया जा सकता है। यह आवाज की रफ्तार से 3 गुना ज्यादा रफ्तार से उड़ान भरता है, जिससे दुश्मनों के लिए इसे नीचे गिराना मुश्किल हो जाता है। ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली की डिलीवरी ऐसे समय में हो रही है जब दक्षिणी चीन सागर में फिलीपींस और चीन के बीच तनाव के कारण आक्रामक सैन्य टकराव हो रहा है। ऐसे में चीन के पास तो इसका जवाब भी नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।